नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक शख्स किसी को गाली दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी तरफ एक और शख्स है जो किसी और को गाली दे, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये जो दोहरा रवैया है, इस पे बात करेंगे। थंबनेल देखकर आपको समझ आ गया होगा, मैं बात करूंगा बबीता फोगाट की। हाल फिलहाल सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने जमातियों के ऊपर एक ट्वीट लिखा था। आपको पता ही है, जब लॉकडाउन हुआ प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जो जहां है वहीं रहे। इस हिसाब से जो पूरे भारतवासी थे, जो जहां था वहीं रहा। तो हुआ क्या कि जमात यानी कि तबलीगी जमात निजामुद्दीन जो मरकज है, जो हेड ऑफिस है तबलीगी जमात का, वहां जितने लोग थे वो भी वहीं रुक गए। बाद में जब उन्हें वहां से निकाला गया तो मीडिया में नैरेटिव फैला कि ये लोग यहाँ छिपे हुए थे। और उसके अलावा दूसरे तमाम मीडिया पर ये चला कि ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद कर रहे हैं, कोरोना बम फैला रहे हैं। उसके चलते बहुत सारे लोगों के दिमाग पर उस एजेंडे का बहुत ज़्यादा असर हुआ। जो अच्छे खासे पॉलिटिशियन थे वो इस बात को समझते थे कि एक पार्टी है जो सत्ता में है और उसका सिर्फ एक नैरेटिव है जो वो हमेशा करती है और उससे उसे वोट हासिल मिल जाते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि उन्हें ये भी एक उनके लिए वैसा ही एक मुद्दा था जैसे उनके बाकी पिछले सालों में कुछ मुद्दे रहे हैं। वो तो चुप रहे, वो भले उसी पार्टी से हो, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें लाइट में आना था, जिन्हें चर्चाओं में आना था, जो नया नाम थे उभर रहे थे नया, उन्होंने उठा के उल जुलूल बातें करनी शुरू कर दी। आपको पता है तबलीगी जमात के साथ क्या हुआ? यूपी में इनाम घोषित हुआ, जो जमाती जहां मिला उसको उठाया और क्वारंटीन सेंटर में कर दिया गया या फिर जेल भेज दिया गया और तमाम केस ला दिए गए। ये तमाम पूरे देश में हुआ। उसी के चलते मुसलमानों को दूसरी नजर से देखे जाने लगा। सब्जी वाला है, उसका आधार कार्ड पूछा जाने लगा, नहीं है तो उसकी पिटाई होने लगी। ऐसी तमाम चीजें हुई है। यहां तक कि यूपी पुलिस ने के एक सिपाही ने तो ऐसा कारनामा किया कि झूठ मूठ का एक केस बनाया 5-6 लोगों के खिलाफ और उनके खिलाफ बोला कि ये लोग कोरोना फैला रहे थे। बाद में जब तफ्तीश हुई तो पता चला उसे सस्पेंड करना पड़ा। ये सारी चीजें आप लोगों ने पिछले कई महीने में देखी हैं और मैंने आपको दिखाई है अपने स्तर से जितना हो सका है वो सब दिखाने की कोशिश की है। तो अब एक नया मामला सामने आया है। उसी दौरान आपने देखा होगा कि बबीता फोगाट जो रसलर है, पहलवान है, और गीता बबीता की जोड़ी बड़ी फेमस हुई थी जब दंगल मूवी आई थी। हमने दंगल मूवी से पहले बहुत कम लोग उन्हें जानते थे कि उन्होंने जो भारत में राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें पदक जीता था, बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन दंगल फिल्म आई तो पूरा देश जानने लगा, पूरी दुनिया जानने लगी। तो जो बबीता फोगाट थी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि फैला होगा तुम्हारे यहाँ कोरोना चमगादड़ों से, हमारे यहाँ तो जाहिल सुअरों से फैला है। सुअर, अब ये बोलने में कोई शर्म नहीं आती क्योंकि लोगों को आदत हो रखी है, लोग इंटरनेट पर ना जाने क्या क्या देखते हैं, तो ये सुअर शब्द भी सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन किसी के धर्म को टारगेट करते हुए जब आप ये शब्द लिखेंगे, जब बात बड़ी हो जाती है, बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि आपने चंद लोगों को सामने रखते हुए पूरी कम्युनिटी को एक तरह से टारगेट कर दिया है। तो उस वक्त ये चीज़ें सामने आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, वो पुरानी बातें थी। लेकिन अभी ताज़ा मामला ये हुआ कि जबलपुर में आरएसएस के का जो मुख्यालय था वहाँ कुछ लोगों को कोरोना हो गया। वहीं का एक लड़का था जो बी फार्मा का स्टूडेंट बताया जाता है, जियाउल हक, उसने भी वही बातें सेम जो बबीता फोगाट ने लिखी थी उसने भी अपनी फेसबुक वॉल पर लिख दी। उसमें लिख दिया कि इन स्वरों की वजह से भारत में कोरोना फैल रहा है, इनको बाहर निकाला जाए, इनको बंद किया जाए। यानी बात सेम थी जो बबीता फोगाट ने लिखी थी और जो इस जियाउल हक ने लिखी। लेकिन जियाउल हक के मामले में ये हुआ कि कुछ लोग सामने आए, जिसमें एक हिंदू सेना के उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, वो आए और उन्होंने आकर उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मुकदमा किस चीज में दर्ज किया, जरा वो गौर करने वाली बात है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 20 जुलाई की घटना है। 20 जुलाई को क्या हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि उसने वही जो बबीता फोगाट के शब्द थे उसने जमातियों के लिए लिखे। जमाती जो कि एक धर्म प्रचार का काम करते हैं, यानी एक धार्मिक संगठन से जुड़े हुए, सीधे सीधे धर्म वालों के ऊपर ही उसने ये लिखा था, कोई दो राय नहीं है, पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं। तो उस वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यही शब्द इसने जियाउल हक ने उठाए और अपने फेसबुक पोल पर लिख दिए। तो इस पर क्या किया, जो पुलिस थी जबलपुर की, उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 295A यानी के दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के तहत किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करके उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना और 505 सार्वजनिक दुराचरण के लिए बयान मुकदमा दर्ज किया, यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा गया। अब सबसे पहला सवाल तो मेरा ये खड़ा हो जाता है कि आरएसएस कब से धार्मिक संगठन हो गया? आरएसएस तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन है ना, जैसे आरएसएस कहते हैं, सारी दुनिया जानती है कि वो एक
क्या कहते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है जो देश में सांस्कृतिक का ताना बाना बनने की कोशिश करता रहता है, जैसा आरएसएस का कहना है, तो वो धार्मिक संगठन कहाँ से हो गया? इसने जो कहा, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता, इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसने जो शब्द का यूज़ किया मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाए, जो पुलिस को ठीक लगे। लेकिन ये धार्मिक जो पुलिस ने लिखा है, बात इस पर करनी है कि ये कब से आरएसएस धार्मिक संगठन हो गया, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि पुलिस ने इसके खिलाफ एकदम कार्रवाई की, लेकिन जब बबीता फोगाट ने ये शब्द यूज़ किए थे तो किसी ने कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर आपको हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है, तो कमेंट लिख दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा खबर कर सकता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा कि आरएसएस कब से धार्मिक संगठन हो गया? आरएसएस तो जो है सामाजिक एक संगठन है, जो आप बीजेपी की जननी है, यानी कि मार्क्स संगठन है, बीजेपी वहीं से आई है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन है, जिसके कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करते हैं। तो आरएसएस धार्मिक संगठन तो नहीं हुआ, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया तो सवाल खड़ा करता है पुलिस की कार्यशैली पर। दावार ने जब पुलिस से जानने की कोशिश की, क्योंकि दावार की रिपोर्ट है, तो उन्होंने मामले को टालवाल दिया, कोई सही सा जवाब नहीं दिया। तो मेरे भी यही सवाल थे कि एक, अगर जैसे लोग यूज करते हैं कि बबीता फोगाट जो है अब संघ से जुड़ गई है, भाजपा से जुड़ गई है, तो वो संघी हो गई है, तो ये भाई साहब भी मुसंगी हो गए हैं, क्योंकि इनका भी दिमाग खराब हो गया, इन्होंने भी स्वर शब्द का इस्तेमाल किया जो कि गलत है। मैं दोनों को बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करेंगे कि आपका एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा, दूसरे के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि जो बबीता फोगाट के शब्द थे वो सीधे सीधे एक धार्मिक संगठन के खिलाफ थे, जो धर्म प्रचार का ही काम करता है, उसका सामाजिक कोई है ही नहीं। आप ये समझ लें कि तबलीगी जमात जो है वो सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लाम के लोगों के बीच जाके इस्लाम का धर्म प्रचार करने का कार्यक्रम करते हैं। जो मुकदमा वहां दर्ज होना चाहिए था वो हुआ कहां? जियाउल हक के मामले में। हालांकि जियाउल हक की भी उतनी गलती है जितनी बबीता फोगाट की थी। दोनों बिल्कुल सही ने, दोनों अपनी जगह गलत है। ये तो बात हुई इनकी। अब मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ, जो ये सुअर शब्द है खासकर इस्तेमाल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखिए, एक नैरेटिव सा बना हुआ है, आप ऑफ कैमरा कहीं किसी से बात करें, कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार मानते हैं, या जब मुसलमानों को ले ये सोचते हैं कि ये देश के ऊपर बोझ है, उनके दिमाग में मुसलमानों के लिए कुछ शब्द की उपज हुई है। जैसे सबसे पहले मुल्ला कहते थे, मुल्ला एक आम सा शब्द हो गया, मुसलमान भी एक दूसरे मुसलमान को मुल्ला कह देते हैं। लेकिन उससे कहीं आगे आप जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया या कमेंट में जाएंगे किसी पोस्ट में, वहां पर आपको दूसरे शब्द मिलेंगे जो आपको दिखाएंगे कि ये नफरत से भरे हुए शब्द हैं, जैसे कि कटुआ जो मुसलमानों के लिए खासकर यूज होता है, एक और सुअर सूर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इन शब्दों को बोलने के लिए कोई वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट पर बहुत सारी और भी बहुत बुरी चीजें देखती हैं, तो ये भी जान लेना चाहिए कि ये शब्द बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, उनकी क्या सोच है, ये आप लोग भली बात ही समझ सकते हैं। मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो उसकी गलती थी वही उसकी गलती है, दोनों ने गलत किया है, हम दोनों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। लेकिन आप लोग ये बताइए मुझे कि जो कार्यशैली है पुलिस की, उसने जो लिखा है, जो मुकदमा दर्ज किया, वो कितना सही था? कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा का हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का जरूर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।